खेड़ापति कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास निवासरत लक्ष्मणपुरी गोस्वामी के पुत्र का निधन फरवरी में हो जाने के कारण लॉकडाउन की स्थिति में उनके पास खाने तक का गुजारा नहीं है। लक्ष्मणपुरी जी ने बताया कि उनको हाथ में पैरालिसिस है, जिसके चलते वो काम भी नहीं कर पाते और जो कुछ भी था उनका बेटा ही था, जिससे उनके परिवार का गुजारा होता था। अब लक्ष्मणपुरी के परिवार में स्वयं लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी है। वो कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, यहाँ उस दाने का इंतजार कर रहा है ये परिवार। हालांकि शिवपुरी के कुछ मीडिया कर्मी ने इस आवाज को उठाया तो कुछ समाज सेवी आकर उनके लिए जो संभव मदद हो सकी वो करके गए, लेकिन लक्ष्मणपुरी गोस्वामी ने सरकार से अपील की है कि उनकी सहायता की जाए। लक्ष्मणपुरी गोस्वामी के पास बीपीएल का राशन कार्ड तक नहीं है, जिसके चलते उन्हें राशन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। हालांकि समाज सेवियों ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते इसके बाद भी उनकी मदद करते रहेंगे। यहां हम आपको बता दें कि लक्ष्मणपुरी गोस्वामी होमगार्ड में सेवाएं दे चुके हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस लाचार परिवार की मदद के लिए आगे आती है या यूं ही ये परिवार अपनी जिंदगी काटता रहेगा। अभी हम खड़े हुए हैं खेड़ापति कॉलोनी केंद्रीय विद्यालय के पास। यहाँ हम आपको मिलवाएंगे कैसे परिवार से, जो अभी ऐसी स्थिति है उनकी, जिनका एक जवान बेटा था जो कि ड्यूटी करने के बाद में उसके साथ कोई दुर्घटना ऐसी हुई कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, और हम आपको मिलवाएंगे यहाँ पर उनके पिताजी से। तो आज हम आपको ऐसे परिवार से मिलवाएंगे जिनके पास अभी खाने पीने के लिए राशन तक उपलब्ध नहीं है, और वो शासन से गुहार लगा रहे हैं और समाज सेवियों से कि उनकी व्यवस्था की जाए। नमस्कार, नमस्कार लक्ष्मणप्रिय जी, आपके साथ ये दुर्घटना हुई है और इसके बाद में आपको क्या क्या समाजसेवी और सरकार से क्या क्या सहायता मिली है? मेरे को सर कुछ नहीं मिला। अभी दो दिन पहले जब मेरे को 5 किलो आटे का कट्टा दिया और 1 किलो दाल 1 किलो चावल जीवी पत्र दिया है बस। सरकार से जो राशन कार्ड वगैरह बीपीएल राशन कार्ड वगैरह आपके पास है कि नहीं है? मेरे पास बीपीएल का राशन कार्ड नहीं, मेरे पास जो सफ़ेद राशन कार्ड है बीपीएल का राशन कार्ड बनवाने की कोशिश मैंने की, लेकिन मेरा राशन कार्ड बना नहीं। सरकार से आपको कोई मदद नहीं मिली है? सरकार से मेरे को अभी तक कोई मदद नहीं मिली। आपके बेटे के साथ क्या हुआ था? हाँ, मेरा बेटा जो नौकरी करने गया था सिक्योरिटी गार्ड में, जो है पारासर फार्म था जो ग्वालियर बाईपास के, तो वहाँ जो है 1:30 बजे यहाँ से ड्यूटी गया था अच्छा वाला खाना खा पी के, उधर से वो 3 बजे लौट के आ गया था। तो मेरे को मिला रास्ते में, मैंने उससे पूछा बेटा क्यों लौट के आ गया? बोले पापा मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वापस आ गया। मैंने उससे बोला बेटा तू घर जाके आराम कर। तो घर आया वो, घर मम्मी मैं छत पर ऊपर जो कि काम कर रही थी, तो छत पर जाकर उसने आवाज़ दी, बोले मम्मी मैं तो जा रहा हूँ, तू पापा से झगड़ा झगड़ा मत कर। तो मम्मी ने पूछा उससे बेटा तेने क्या खाया है क्या किया है? जो बता तू क्यों जा रहा, कहाँ जा रहा है तू? इतने मुझको चक्कर आया और गिर पड़ा, फिर उसको जो है MM हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भर्ती करवाया। डॉक्टर को बताया कि भाई इसके गले में कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने जो है ऐसा इंजेक्शन लगाया उसको, वो सब जो है तो उसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि किस वजह से उनके साथ ये हादसा हुआ कैसे उसको। अब पहले PM रिपोर्ट आई थी साहब, उसमें तो जी बता रहे थे जो है तो बोले जहर की वजह से हुआ है, किसी ने जहर खिलाया है। इसके बाद में जो है वो दूसरी रिपोर्ट जो है वो जाती है, वो सागर वगैरह गई है, तो वो जो है उसको 1 महीना होने जा रहा है और रिपोर्ट अभी आई नहीं है। आपको जो सम्मानित किया गया है तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरे साहब जो है होमगार्ड में मैं सेवा करती हूँ, मेरा ऑल इंडिया में परेड कराने में पहला नंबर था। तो मैं जो है मैं पूना गया था, पूना में जो ऑल इंडिया ट्रिप चल रही थी, तो वहाँ मेरे को मध्य प्रदेश का कमांडर बनाया। तो मेरी 22 प्रांतों से मेरा कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में मेरा प्लाटून फर्स्ट आया। अब आप क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं शासन से? आप जी दीवान निवेदन कर रहा हूँ सर कि मेरा जीवन यापन। अभी हम आपको बताएंगे कि जैसे ही हमने लक्ष्मणपुरी गोस्वामी जी की जानकारी आप भी थी समाज सेवी अगमजन जी को सुनाई, तो वो तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस परिवार को राशन मुहैया कराया, और आगे भी उन्होंने बताया कि आगे भी ये राशन उनको जरूरतमंद के हिसाब से मुहैया कराता जाएगा। आइए बात करते हैं उनसे। और ये महावीर जनालय ट्रस्ट के नेतृत्व में अपना काम कर रहे हैं और गरीबों को राशन मुहैया करा रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार अगम जी। नमस्कार। आपने जो इनको राशन मुहैया कराया और आगे भी आप कराते रहेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विगत 28 दिनों से हमारा सेवा कार्य जारी है, जब से यह कोरोना का जो आपदा हमारे देश में जो आई है उसके लिए हमारी टीम ने एक संकल्प लिया, एकमात्र ध्येय एकमात्र लक्ष्य के साथ हमारी टीम अनवरत 28 दिनों से कार्यरत है और बड़े ही सेवाभावी हम लोग हैं। हमारी जो टीम है जीवन से समर्पित टीम है,
टीम का एकमात्र उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना रहे। जैसे ही आपके गुहार हमारे पास आई, इस परिवार की गुहार हमारे पास आई, हमारा एक उद्देश्य नर सेवा ही नारायण सेवा है। हम तत्काल प्रभाव में राशन लेके यहाँ पर आए और आगे भी जब तक इनको राशन की जरूरत होगी, चाहे लॉकडाउन चले या ना चले, हमारी जो टीम है वो इनके लिए समर्पित रहेगी। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, हमारी टीम इसी तरह से प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराती है। आज इस परिवार को भी हमने भोजन उपलब्ध कराया, हम कृतकृत हुए और आगे भी इनको जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ। तो ये थे शुभ्री से समाज सेवी रामजन जी।